सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, हम नारेशन का पहला भाग हम बताए हैं और जो ना देखे हो वो हमारा वीडियो देख लेंगे, भाग दो आज हम बनाएंगे। तो पहले भाग में हम क्या बताए थे? पहले भाग में हमने बताया है ही सेड कामा इनवर्टेड कामा राम इज गोइंग टू स्कूल। पहले भाग में हमने लिखा था, अगर देखे हो, नहीं देखे हो देख लीजिएगा, 123 बटे सन, ये हमारा नारेशन का सूत्र है। 123 बटे सन का मतलब क्या हुआ? अगर नहीं देखे हो पहला वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आइए। तो ही सेड कामा इनवर्टेड कामा राम इज गोइंग टू स्कूल। राम सेड, राम ने कहा, राम इज गोइंग माने जा रहा है, टू स्कूल माने स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। पहले वीडियो में हम बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं आप जरूर देख लीजिएगा तो अपने आप समझ में आइए। जब बताए हैं, जब कभी आपके सामने ऐसी सीन आती है कि हम बताए जो इनवर्टेड कामा के अंदर है ये है रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा के पहले लिखा हुआ है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो हमेशा नोट कर लीजिएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म नहीं है, कर्म का मतलब कि सेड और कामा के बीच में जो लिखा रहता है वही हमारा कर्म है। अगर सेड और कामा के बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म नहीं लिखा है। अगर कर्म नहीं लिखा है तो हम सेड को सेड लिखेंगे, लेकिन सेड को सेड इसका मतलब ये नहीं है कि कामा यानी कि कर्म नहीं है तो सेड को सेड लिखेंगे। दो शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कर्ता से प्रारंभ हो। दूसरी बात क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो। तब हम क्या करते हैं? ही सेड को सेड लिखेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम सेड को सेड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हमने सेड को सेड लिखा। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। और जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा और रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म नहीं होगा तो हम हमेशा सेड की जगह पर हम सेड ही लिखेंगे। इतना हो गया। जैसा हमने पार्ट वन में हम बताए हैं कि अगर कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हम तनी के हल्का से अपना पेन रोक देंगे और दिमाग चलाना शुरू कर देंगे। अब रुक के देखा कि यहां रिपोर्टिंग वर्ग का कर्ता क्या है? राम है। और राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। हम बताए वीडियो वन में, पार्ट वन में उसको देख लीजिए, पता चल जाएगा, पूरा हम विधिवत समझा दिए हैं। तो राम जो है थर्ड पर्सन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि थर्ड पर्सन है तो हम इसको क्या करते हैं? इसको नहीं बदलते हैं। यंग का मतलब नो चेंज, नहीं बदलते हैं। अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है इसको हम नहीं बदलेंगे, इसको हम ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। और क्या करते हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नियमानुसार बदल देते हैं, जैसा कि हम वीडियो
मतलब कि पार्ट वन में हम बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम नहीं बदलते हैं। तो अब देखिए, अब राम इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? अगर किसी बच्चों को यह दिक्कत हो कि हम टेंस नहीं पहचान पाते हैं, तो आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कर लीजिए। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसमें सहायक क्रिया इज आर आई जरूर लिखा रहेगा, और उसके आगे जो क्रिया लिखी रहेगी उसमें आई एन जी जरूर लगा रहेगा। यही दो शर्त याद कर लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तुम्हें पहचानना है तो ई जा रहे हैं, पहले दिन अगर ई जा रहे है और उसमें क्रिया जो उसके आगे ई जा रहे हैं मसे कोई एक हो और उसके आगे जो क्रिया लिखी गई हो उसमें आई एन जी लगा हो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब बात आई कि मतलब अब इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया ई जा रहे हैं, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वाज या बेयर है, इसमें भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, उसमें भी क्रिया फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, इसमें भी क्रिया में आईएनजी लगता है, उसमें भी क्रिया में आईएनजी लगता है, तो केवल सहायक क्रिया में अंतर है। तो अब यानी कि जब यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे या तो इज को वाज में बदलेंगे या तो इज को बेयर में बदलेंगे, अगर यानी कि जहां हम लिखने जा रहे हैं अगर वहां का कर्ता अगर एक वचन है तो हम इज की जगह पर वाज लिखेंगे, वाज गोइंग टू स्कूल, और मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां का कर्ता अगर बहुवचन होता तो हम इज को किस में बदल देते, बेयर में, और एक वचन है तो वाज में। जैसे अगला है, दूसरा देख लीजिए, राम सेड कामा इनवर्टेड कामा ही हैज गॉन टू स्कूल। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल इसका और बताएंगे, हम चलेंगे नियम दो में। नियम एक का है, पार्ट वन में हम बताए हैं, उसी का हम दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब, राम वाले राम सेड वाले कहा, राम सेड वाले राम ने कहा ही हैज गॉन, हैज हैव और बिल है सेल है, अगर ये लिखा हुआ है इसके आगे क्रिया का फॉर्म लिखा हुआ है तो समझ लेना कि चुका चुकी चुके जरूर निकले। अगर है कहीं भी लिखा हो इसके आगे थर्ड फॉर्म लिखा हो तो समझ लेना कि जो हिंदी में हम वाक्य हिंदी में अनुवाद करेंगे उसमें चुका चुकी चुके जरूर निकलेगा। तो ही माने वह, है जान माने जा चुका है तो है जान जा चुका है, तो स्कूल माने स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। अब देखिए, जैसा कि हम ऊपर वाले में बताए हैं, अब हम पहले देखेंगे कि क्या हम सेट को हम बदलेंगे, क्या हम सेट को टोल्ड में बदलेंगे, क्या सेट को आस्क्ड में बदलेंगे, क्या सेट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, क्या सेट को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। अब ये पता लगाना है सेट को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इसके लिए हम पहले कुछ देखेंगे। अगर नहीं बदलना है तब नहीं बदलना है, पहले हम जब देखेंगे ही है गान टू स्कूल का हो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता से प्रारंभ और रिपोर्टिंग वर्क मेकर नहीं है, अगर ये दो चीजें अगर मिलती है कि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्क मेकर ना हो तो समझ लेना कि सेड को सेड ही लिखेंगे। अब बात आई कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करें, भाई अगर एक हो तो चलो ठीक है, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए
दैट का भी प्रयोग करते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड का भी प्रयोग, यानी कि अब यहां हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अगर इन दैट का प्रयोग कब करेंगे, अब हम देखा नहीं जब, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा, केवल एक शर्त, केवल अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। हम बताए जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए, तनी कि हम रुक जाए, हम देख अब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता से मिलेगा है, तो हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या ही है। अब जो यहां का कर्ता है उसको पता लगाइए कि ही कौन सा पर्सन है, तो ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन अगर ना पहचान हुआ, आई यानी फर्स्ट पर्सन है आई और वी, अब सेकेंड पर्सन है यू, अब थर्ड पर्सन है बाकी जितना बचा है, ही बचा है, सी बचा है, ईट बचा है, दे बचा है, अब क्या हो गया नेम नाम हो गए, ये थर्ड पर्सन। केवल तीन चीज याद रखे रहिएगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, ये तीन के अलावा जितना सब है थर्ड पर्सन है। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और हम थर्ड पर्सन को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो उसको हम नहीं बदलते हैं। अब आ जाइए, अब यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को हम नियमानुसार बदल देते हैं। आप देखेंगे पहले रिपोर्टेड स्पीच जो है ये किस टेंस में है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, अगर हैज हैव लिखा हो, हैज या हैव लिखा हो, उसके आगे क्रिया थर्ड फॉर्म लिखा हो, तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है या तो हैव लिखा हुए या तो हैव लिखा हुए, ओके आगे जो क्रिया लिखी हुए वो थर्ड फॉर्म हुए। अगर हैज हैव से पहचान गया कि जो ने वाक्य में सेंटेंस में हैज हैव आ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैन ही हैज ए डॉग, तो ही हैज ए डॉग, अब एक तो नहीं कह सकता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हैज है लेकिन डॉग डॉग वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, जानवर है, पशु, इसलिए दो शब्द अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें दो शब्द आप देखिएगा, पहली बात देखिएगा या है या हैव है, अगर है तो फिर उसके आगे और देख लीजिए जो उसके आगे लिखा हुआ है क्या वो थर्ड फॉर्म में लिखा है, तो गॉन गो बेन गॉन, एक है मतलब है लिखा है, क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखा है, अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए अब यानी कि अब हमको पता चल गया कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच जो है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे किस में, प्रेजेंट को पास्ट टेंस में बदलेंगे। अगर मान लीजिए कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, कैसे बदलेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक ई जा रहा है तू है अब पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैड भाई तो मतलब उन्होंने हैड है क्रिया थर्ड फॉर्म, एमन हैड क्रिया थर्ड फॉर्म दोनों रहेगा, इसका मतलब कि अगर यहां हैड लिखा हो या हैव लिखा हो इसकी जगह पर जब हम इस सहायक क्रिया की जगह पर हैड या हैव को जब हैड में बदल देंगे अब बाकी पूरा का पूरा जीव बदले अगर हम उतार लेंगे यह हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए, अभी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में
बदल गया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए लिखा है कि लिखा है आई हैव गॉन का हमका पता ही कहा है, आई हैव गॉन का वर्ड है दिखाओ। और जो क्रिया लिखी गई हो वो थर्ड फॉर्म में हो, इसका मतलब वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या करेंगे? अब हैज लिखा हो तब हैज या हैव को जब हम हैड में बदल देंगे और बाकी पूरा का पूरा उतार लेंगे, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यही है इसका मतलब, कि वही है या है को हमको चेंज कर देना है, उसकी जगह पर हमको हैड लगा देना है, बाकी पूरा पूरा उतार लीजिए, वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब ये हमारा नियम। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा मान लीजिए लिखा हुआ है ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। ये है, हमेशा नोट कर लीजिए, केवल हमें तीने से डर है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई वी यू अगर ये तीन चीज नहीं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे यहां देखा ना आई बार ना ही यू है तो हम नहीं डरे, एक उतार ले, ये हूं नहीं रहा ये उतार ले। लेकिन केवल ध्यान कहां देना है, जहां रिपोर्टेड स्पीच का करता, जब रिपोर्टेड स्पीच का करता आई हो या वी हो या यू हो, यही तीन विशेष रूप, यही तीन याद रखिएगा और बाकी सब सही है। एक तीन के अलावा जितना रहे सब उतर ही आए। देखा, अब इसको करेंगे क्या, अब हम सेड को, क्या हम सेड लिखें, और लिखें तो क्यों लिखें, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कर्ता से प्रारंभ है, दूसरी बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड लिखेंगे। तो लिख देंगे ही सेड, और अब कामा इनवर्टेड कामा है, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट का प्रयोग क्यों करेंगे, उसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो तब हम सेड को सेड लिखते हैं। इतने के हिसाब होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पे जब उतारे नंबर आवे तनिक रुक जाकरा ई देख लिया, कहो रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता का वह है, हम देखा थे कि आई बा, अब आई कौन सा पर्सन है, एका अगर थर्ड पर्सन हो तो उतार लेगा, लेकिन थर्ड पर्सन तो होएगा आई वी यू, यही तीन से विशेष रूप से ध्यान में रखेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यहां पर आई है, और आई कौन सा पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो हम उसको किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो हम उसको नहीं बदलते हैं, बल्कि उसी को उतार लेते हैं। आप देखिए कहने का मतलब, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट
यानी कि कर्ता के अनुसार बदलेंगे। अगर कभो ऐसी सीन आवे जहां जहां रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता आई रहे तो समझना कि रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार बदला जाए, यानी कि यहां रिपोर्टिंग वर्ग का कर्ता जो भी यहां रहेगा वही यहां उतर रहेगा। लेकिन अगर यहां किसी पुरुष का नाम होता तो यहां न उतरते, उसकी अगर पुरुष का नाम है तो उसकी जगह पर ही, और स्त्री का नाम है तो उसकी जगह पर सी, यही ध्यान रखिएगा। अब यहां किसी का नाम यदि नहीं है, यहां आई है और यहां किसी का नाम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, आई की जगह पर जो यहां किनारे जो करता रहेगा उसी को हम आई की जगह पर लिख देंगे। यही है, बहुत कठिन नहीं है। अब आगे देखिए, अब चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अब पास्ट टेंस का मतलब इसमें कर्ता नहीं है, उसका सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया सेकंड फॉर्म में है। कैसे जानेंगे पास्ट टेंस में है जब सहायक क्रिया ना रहा है और क्रिया सेकंड फॉर्म में रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नियमानुसार बदल देंगे जैसा बताए। अब ही देख, अब एक एक टेंस बदले का है, कैसे बदलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, अब एक पता लगाओ का पहले ही देखा कौन टेंस अब है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम बताए ही सहायक क्रिया ई जा रहे मूड है। जो ने वाक में इज हो या आर हो या आई हो तो हमारे क्रिया में आई एन जी लाग हो, एक है मतलब हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हमका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलेंगे किसने, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेंगे। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या है, या तो ई जा रहा है की जगह पे आपको वाज लिखेंगे या तो बिया लिखेंगे। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो वाज लिख देंगे, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो बिया लिखेंगे। तो यहां ही हम एक वचन है इसलिए हम आयन की जगह पर वाज लिख देंगे, बाकी हम ज्यों का त्यों हम इसको उतार देंगे। ये है अब, यानी कहने का मतलब ये है नियम एक जो हम पार्ट वन में बनाए थे, अब उसको हमने क्लियर कर दिया। पार्ट वन में दो बात याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच अगर कर्ता से प्रारंभ हो तब कामा इनोटेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करिएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है यदि रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म ना हो और रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तब समझ लीजिएगा कि हम सेड की जगह पर सेड ही लिखेंगे। यही हमारा नियम एक कहता है। अब नियम दो देखिए, तो नियम दो में क्या है, अब नियम दो में हम बता रहे हैं आपको ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, यानी कि आई आई एम गोइंग टू स्कूल। पहले समझा ही माने हुआ या उसने, सेड माने कहा, टू मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आई एन जी लगा हुआ है क्रिया में तो उसका हिंदी में रहा रही रहे जरूर निकले, आई एम आए तो हूं हो गया, रहा हूं हो गया, एक है मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब वाक्य देखिए, नरेशन कठिन नहीं है लेकिन केवल आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, हम इंटर के पूरा ग्रामर एक चैप्टर एक एक नियम आपको हम बताएंगे, लेकिन हमारा वीडियो आप देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें हमको क्या मिला, अब इसमें हम देख रहे हैं जो कामा के पहले लिखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब।
जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बता दे रहे हैं, अगर पहला नहीं देखे हो उसको देख लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इधर, इन्हें कहने का मतलब इसमें क्या है, कहने का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में इसके पहले वाले में कर्म नहीं था, अब इसमें क्या है, जब सेड से सेड और कामा के बीच में यदि कुछ लिखा हुआ है वो ही हमारा कर्म है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो और रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो, तब ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो अब ही अब सेड को, यानी कहने का मतलब सेड को हम टोल्ड में कब बदलते हैं, अब सेड को टोल्ड में हम कब बदलते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, उसको लिख लीजिएगा, हम कब बदलते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड लिखा हुआ है उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो इसका मतलब सेड को टोल्ड में बदलने के लिए कितनी शर्त पूरी होनी चाहिए, दो शर्त। पहली शर्त तो रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो, दूसरी शर्त क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो। ये दोनों शर्त हमारा यहां पूरा है, इसलिए हम सेड को टोल्ड में बदल, सेड को टोल्ड में लिख देते हैं और TO2 को नहीं लिखते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। अब आ जाइए रिपोर्टिंग वर्ब का हिसाब किताब हो गया। अब आ जाइए कामा इन्वर्टेड कामा, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे। तो हम यहां पर अब कामा इन्वर्टेड कामा है, तो अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच, जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता है तब तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने और पूछ लिया, कहो सेड को टोल्ड में कब बदलते हैं, तो हम बताएंगे उनसे, हम सेड को टोल्ड में कब बदलते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो, तो हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अब यहां जब कामा इन्वर्टेड कामा हट जाए, हम बताए रहे जब हट गया तनी रुक जा, अब देखा रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता कावा का लिखा है, देखा नहीं आई लिखा है, अब आई देखा कौन पर्सन अट है, हम देखा नहीं कि आई जो ना फर्स्ट पर्सन आ, अब देखा जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन हो ओका हम किसके अनुसार बदलते हैं, तो देखा नहीं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार बदलते हैं। अगर यहां आई है इसके अनुसार हम बदलेंगे, तो यानी कि अगर कहो ऐसे सीन आया कि जब जब यहां आई रहे तो जो एकदम किनारे जो लिखा रहे वह चीज आई की जगह पर हम उतार लेंगे, तो यही लिखा हुआ है, अब आई की जगह पर ही हो गया, आई खत्म हो गई, आई तो बुलाए नहीं आए इनका, अब आई चले गए। अब देखिए अब टेंस बस लास्ट स्टेप और है, अब इसका टेंस चेंज कर दीजिए, नारेशन हो गया,
अब इसमें क्या है, पहले तो हम टेंस पहचानेंगे किस टेंस में है ये। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसा हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये, इसको हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आर आयन रहे, ओमन क्रिया में आई इंजी लाग रहे, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा है तो हमें केवल इज आर आयन की जगह पर या तो वाज या तो वियर लिख दीजिए कर्ता के अनुसार, बाकी ing उसमें भी रहेगा क्रिया में। इसलिए हम यहाँ एक वचन है तो हम एन की जगह पर वाज लिख देंगे। अब बाकी हम पूरा इसको उतार लेते हैं, गोइंग टू स्कूल। अगला नंबर दो देख लीजिए, राम सेड टू मी कामा इनोटेड कामा You went to school. राम माने राम से, माने कहा, टू मी माने मुझसे, राम से टू मी राम ने मुझसे कहा, यू माने तुम, बेंट माने गए, टू स्कूल माने स्कूल, तो यानी कि तुम स्कूल गए। तो अब यानी कि इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे बदलेंगे देखा। अब हम यहां पर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कर्ता से प्रारंभ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म भी हो तो हम सेड को पहले टोल्ड में बदलते हैं। तो हम राम है राम लिख देंगे और सेड को बदल देंगे टोल्ड में, और हम टी ओ टू को हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं, उसके आगे जो लिखा रहे वो काम में उतार निकाल लेंगे। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। अब दैट कामा इनवर्टेड कामा हट गया, अब जब कामा इनवर्टेड कामा हट गया तभी रुक जा, अब ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या लिखा हुआ है, तो हम देखा थे रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू लिखा हुआ। अब देखा यू कौन सा पर्सन है, हम देखा थे यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब ये पता लगा हुआ कि यू सेकंड पर्सन है तो केकरे अनुसार बदला जाता है, तो हम देखा थे सेकंड पर्सन जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलेंगे। अगर यहां फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके अनुसार बदलेंगे, अगर यहां का कर्ता सेकंड पर्सन हो यदि ये सेकंड पर्सन यहां पर अगर हो तो इसको हम बदलेंगे यहां के अनुसार बदलेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर यह ही हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी हो तो यहां आई हो जाए, अगर यह ही हो अगर और यह हिम हो तब यह ही हो जाए, अगर यहां यू हो और यहां अस हो तो यहां भी हो जाए। तो ये तरह से मान लीजिए यहां यू है, अगर मी की जगह पर अगर देव होगा तो हम यू की जगह पर क्या लिखते हैं, भाई यू को तो हम यही के अनुसार बदलेंगे, अगर देव है देव हो जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो अब यू की जगह पे आई है, इतना कर्ता बदल गया। अब लास्ट मतलब स्टेप और है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता का चेंज कर ला तो वह टेंसो और देख के चेंज कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। अब देखिए कौन सा टेंस सही है, You went to school, कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है, went, go, went, एक है मतलब went second form, जब सहायक क्रिया ना हो अब क्रिया सेकंड फॉर्म हो, हमेशा नोट करना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वही सहायक क्रिया ना हो क्रिया फर्स्ट फॉर्म होता तो मैं कह देता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, सहायक क्रिया ना रहे अब क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहे,
और पास्ट इंडिफिनिटिव की पहचान क्या है? सहायक क्रिया ना रहे और क्रिया सेकंड फॉर्म रहे। अब हमें देखा था कि सहायक क्रिया नहीं ना, क्रिया सेकंड फॉर्म में आए, तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडिफिनिटिव आ भैया। अब तनी क्या और पता लगाया, कहो पास्ट इंडिफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? उसमें उसका सहायक क्रिया है और हैड के आगे जो भी क्रिया लिखी जाएगी वो क्रिया थर्ड फॉर्म रहे। एकरे आगे हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो अब यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमको बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब यही की कर्ता लिखे हैं, कर्ता के आगे हमेशा हैड लिख करके जो क्रिया सेकंड फॉर्म में लिखा है उसको एक कदम और आगे बढ़ा देंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो गो बेट गॉन गॉन कर देंगे। मतलब कहो ऐसी सी नजर आती है कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर उसको हमको पास्ट में बदलना है तो हैड लिख करके जो क्रिया सेकंड फॉर्म में लिखा है उसको थर्ड फॉर्म में लिख देंगे और बाकी उसके आगे हम ज्यों करते हो ऐसे उतार लेंगे, वो हमारे भैया इनडायरेक्ट, ये हमारे इनडायरेक्ट भैया। जैसे तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है सी सेड टू हिम, उसने उनसे कहा, क्या कहा, यानी कि यू हैड गॉन टू स्कूल। देखिए सी माने उसने, सेड माने कहा, टू ही माने उनसे, उसने उनसे कहा यू हैड गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे, हैड थे। अब देखिए अब इसका नरेशन इसको मतलब इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? पहले हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे किससे प्रारंभ है, हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच अगर कर्ता से प्रारंभ है फिर देखा कि क्या रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म भी है, तो सेड और कामा के बीच में जो लिखा हुआ यही ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ग का ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेड और कामा के बीच में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जब कभी ऐसी सीन आती है कि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म भी है, कर्म भी लिखा है, तो हम क्या करते हैं सी सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, सेड को टोल्ड में लिख देते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सेड का टोल्ड बताए मैंने लिखा, तो हम क्या कहेंगे उसे? दो बात बताएंगे, दो चीज बताएंगे उसे। पहली बात तो कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ, दूसरी बात क्या बताएंगे? बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म है, तो फिर वो कहेंगे कहो जब जब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में करता रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में कर लिखा रहे तो सेड का हमेशा फिर टोल्ड में बदल गया। सही एकदम बिल्कुल एकदम यार करेक्ट कहता, सेड का टोल्ड में बदलेंगे, सेड को टोल्ड में हमने बदल दिया। हम बार बार बताएंगे सेड को टोल्ड में बदलने के बाद जो सेड के आगे टू लिखा है हम टू को नहीं लिखते हैं, उसके आगे जो लिखा हुआ है उसको हम उतार लेते हैं हिम, सी टोल्ड हिम। और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करें? अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करिए। अब दैट का प्रयोग हमने क्यों किया? मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कहो दैट का प्रयोग काहे करे क्या, तो हम बताएंगे उनसे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच
कर्ता से प्रारंभ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो कामा इनवर्टेड कामा डालने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई जा, अब तनिक रुक जा भाई, जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पे चला तनिक रुक जा, तनिक देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, यू लिखा हुआ। अब देखा यू कौन सा पर्सन है, हम देखा थे यू सेकंड पर्सन आ, फिर देखा यू किसके अनुसार बदला जाए, तो यू सेकंड पर्सन है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलते हैं। हम बताए ही अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो हम इसके अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेंगे। अब कर्म हमारा यहाँ हिम है, तो अगर यह हिम है यू की जगह पे यहाँ ही लिख देंगे जैसा हमने कहा है, अगर यहाँ मी होता तो यहाँ आई लिख देते, अगर यहाँ देव होता तो यहाँ दे लिख देते, अब हम यू की जगह पर ही होगा। अब बात आई, अब एक स्टेपर है वही टेंस के परिवर्तन। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जुड़वा कौन है टेंस में, यू हैड गॉन टू स्कूल, हम बताए ही पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि किसी सेंटेंस में अगर हैड लिखा हो और उसमें क्रिया थर्ड पार्ट लिखा हो, समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें देखिए इसमें हैड लिखा हुआ है, जोड़े जोड़े टेंस में सेंटेंस में हैड लिखा हो क्रिया के थर्ड पार्ट लिखा हो वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमका ये पता चलेगा You had gone to school, जो reported speech का टेंस है ये past perfect tense में है, इतना पता चल गया। अब ये पता लगा लिया कि कब हो past perfect tense कौन टेंस में बदला जाता, अगर मान लिया reported speech का टेंस जो ना है past reported speech past perfect tense में है तो उसमें किसमें चेंज करते हैं, उसको हम नहीं चेंज करते हैं, याद कर। बाकी यहां तक तो परिवर्तन होगा, कर्ता में तो परिवर्तन होगा, कर्ता में तो हमें 123 बटे सन का नियम लगेगा, लेकिन अगर वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमेशा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए उसमें कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं बदलते हैं। तो हम जब नहीं बदलेंगे इसकी वही सहायक क्रिया रहेगी, वही क्रिया रहेगी जो जिस फॉर्म में है, बाकी हम इसको उतार लेते हैं। अब तो हिसाब लगा देते हैं, ये आज का हमारा लास्ट है, इसको आप लोग पार्ट वन देख लीजिएगा, पार्ट टू देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको मतलब कि खुद देखिए और उसको शेयर कर दीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।